खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। यूनिवर्सिटी के समय मैं पैसों की तंगी से जूझ रहा था। मेरे पास स्टूडेंट लोन तो था, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा फीस और किराए में ही खर्च हो जाता। खाने पीने और हर दिन के लिए बहुत ही कम पैसे बचते, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ जॉब भी करता। लेकिन मैं खुश लड़का था, पुराने कपड़े पहनकर भी संतुष्ट रहता। लेकिन गर्मियों की छुट्टी में कुछ ऐसा हुआ कि मेरा पूरा जीवन बदल गया। शुरू में बहुत तकलीफ हुई, लेकिन जैसे जैसे मैं सीखते गया तो धीरे धीरे जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। वैक्स किंग अपनी किताब गुड वाइब्स गुड लाइफ में कहते हैं कि बात यूनिवर्सिटी के समर ब्रेक की है। मेरे दोस्त 20 दिनों के लिए पहाड़ों में घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। मुझे भी साल भर पढ़ने और जॉब करने के बाद ब्रेक चाहिए था, लेकिन पैसे न होने के कारण मेरा जाना असंभव था। छुट्टियों के बारे में सोच सोच कर मैं डिप्रेस होने लगा। मेरा दिन भर कुछ करने का मन नहीं करता। तभी एक शाम मेरी नजर द सीक्रेट पर पड़ी। मैंने कई लोगों से सुना था कि एक किताब उनकी जिंदगी बदल रही है, और ये किताब एक बहुत ही सरल नियम पर चलने को कहती है। वो नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हैं वही पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने जीवन में जिन चीजों और विचारों पर फोकस करते हैं उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन चीजों पर भी अप्लाई होता है जो आप नहीं चाहते। अगर आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप नहीं चाहते, तो वो भी सच हो जाती हैं। वैक्स किंग कहते हैं, ये सब पढ़ के मुझे लगा कि इतना आसान नहीं हो सकता। मैं और रिसर्च करने बैठा तो तत्काल रुक गया। मैंने सोचा कि चलो इस नॉलेज को सीधे अप्लाई करके देखता हूँ। मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए। मुझे छुट्टियों पर जाने के लिए 500 पाउंड की जरूरत थी। मैं सोचने लगा कि मुझे पैसे मिल गए हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों की शांत गोद में बैठा हुआ हूँ। जितना मुझसे बन सकता मैं उतना खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करता। तभी कुछ अद्भुत हुआ। लगभग एक हफ्ते बाद मुझे टैक्स ऑफिस से लेटर आया, जिसमें लिखा था कि आपने गलती से ज्यादा टैक्स चुका दिया है। आपको 800 पाउंड वापस किए जाते हैं। अकाउंट में पैसे जमा कराने के लिए तत्काल फॉर्म भरकर भेजें। दोस्तों, ये स्कैम से पहले वाला जमाना था, इसलिए वैक्स किंग ने तत्काल बैंक डिटेल्स भरे और फॉर्म पोस्ट कर दिया। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन बैंक अकाउंट सूना था। उधर सारे दोस्त छुट्टियों की बुकिंग कर रहे थे। इधर मैं गवर्नमेंट के धीमे प्रोसेस पर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। एक दिन मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने टैक्स ऑफिस फोन लगाया। उन्होंने कहा कि आपका फॉर्म प्रोसेस हो गया है, पैसे आते ही होंगे। वैक्स किंग कहते हैं, ये शब्द सुनकर मेरा मन उत्साह से भर गया। लेकिन जब दो दिन तक पैसे नहीं आए तो मुझे फिर से टेंशन होने लगा। अपना ध्यान शिफ्ट करने के लिए, मन को राहत देने के लिए मैं तुरंत पॉजिटिव किताबें पढ़ने लगा। ऐसे ही दिन कटने लगे। ठीक एक हफ्ते बाद पैसे आ गए। अगर वो 800 पाउंड एक भी दिन लेट आते तो ना मैं ट्रिप पर जा पाता, ना मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुभव कर पाता, और ना ही मेरा जीवन बदलता। वैक्स किंग कहते हैं कि मैंने पहाड़ों में सुकून भरे दिन बिताए, लेकिन अधिक जरूरी बात है कि मैंने निश्चय किया कि अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उपयोग से अपना पूरा जीवन बदलूंगा और माँ के लिए बेहतरीन जीवन बनाऊंगा। वैक्स किंग कहते हैं कि मेरी किस्मत दो प्रकार से अच्छी रही। एक, मैंने जवानी में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनुभव कर लिया। मुझे ये बात समझ आने लगी कि लगातार अच्छा सोचकर, अच्छे एक्शन लेकर जीवन में किसी भी चीज को अट्रैक्ट किया जा सकता है। लेकिन यह इतना सरल भी नहीं था, क्योंकि मेरी समझ और सोच अभी भी सतही लेवल पर थी। इसलिए इस घटना के बाद मेरा जीवन पूरी तरह नहीं बदला। जीवन में कई समस्याएं थीं। मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम करता और कभी बिल्कुल ही नहीं करता। कभी बैंक अकाउंट में पैसे होते तो कभी शंकाओं से भरा शून्य दिखता। वैक्स किंग कहते हैं, मेरी दूसरी किस्मत रही कि मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैंने खुद से कहा कि ये लॉ है, यानी नियम है। इसका मतलब इसे हमेशा काम करना चाहिए। अगर ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा तो मुझे सीखने की जरूरत है। वैक्स किंग कहते हैं, फिर ऐसे ही कुछ साल निकल गए। फिर एक घटना ने मुझे नई नॉलेज सीखने को मजबूर कर दिया। वैक्स किंग कहते हैं, इस समय के साथ मुझे अच्छी जॉब तो मिल गई, पर मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर यानी बॉस अच्छा इंसान नहीं था। वो मुझे परेशान करने के लिए दिन के अंत में ज्यादा काम देता।
जिससे मैं देर तक ऑफिस में बैठे रहता और भी छोटी छोटी हरकतों के द्वारा वो मुझे परेशान करता। वैक्स किंग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बावजूद मैं लगातार नेगेटिव एनर्जी पैदा करता, बॉस की कमियों के बारे में सोचता, उसकी पीठ पीछे गॉसिप करता। मैं मन ही मन सोचता कि ये बीमार पड़ जाए और कम से कम 2-4 दिनों के लिए ऑफिस ना आए। बिल्कुल वही हुआ दोस्तों जो आप सोच रहे हो। लगातार नेगेटिव वाइब्रेशन में रहने से वैक्स किंग की दिक्कतें और बढ़ गईं। कुछ दिन बाद ऑफिस का अरेंजमेंट बदला। वैक्स किंग कहते हैं, अब बॉस और मेरी टेबल अगल बगल थी, पास में बैठने से तनाव और बढ़ गया। वैक्स किंग कहते हैं, ऐसा करते करते कुछ हफ्ते निकले, मेरा मूड, मेरी सेहत इतने बिगड़ गए कि स्ट्रेस के कारण मेरे बाल झड़ने लगे। एक दिन मैंने रियलाइज किया कि मैं अपनी सोच और मेंटल एनर्जी का दुरुपयोग कर रहा हूँ। मैं बुरा और कमजोर महसूस कर करके प्रॉब्लम को बड़ी बनाता जा रहा हूँ। मैंने सॉल्यूशन पर फोकस करने का निश्चय किया। वैक्स किंग कहते हैं, मैं बॉस या उसकी सोच तो नहीं बदल सकता था, फिर सॉल्यूशन क्या था? मैंने निश्चय किया कि मैं खुद को ताकतवर कहानी सुनाऊंगा। मैंने खुद से कहा कि मंदी के बीच में भी मेरे पास एक अच्छी सैलरी वाला जॉब है। इस जॉब में मुझे बेशकीमती अनुभव मिल रहा है। मैं कठिन लोगों से निपटना सीख रहा हूँ। जॉब के कारण हर महीने सैलरी मिलने से मैं अपनी माँ के लिए कई अच्छी चीजें कर पा रहा हूँ। इस प्रकार मैं हर दिन खुद को ताकतवर कहानी सुनाने लगा और ऐसा करते करते मैं खुद को हाई वाइब्रेशनल स्टेट में ले आया। 5वें दिन तक मैं अपने आप जॉब के लिए धन्यवाद महसूस करने लगा और मैंने बॉस की हरकतों पर रिएक्ट करना काफी कम कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से 3 हफ्तों बाद बॉस का दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो गया और इसके कुछ दिन बाद ही मेरा भी प्रमोशन हो गया। वैक्स किंग कहते हैं, मैं पहली बार लॉ ऑफ वाइब्रेशन से रूबरू हुआ था। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है कि ब्रह्मांड आपके वाइब्रेशंस का जवाब देता है। आप जो भी ऊर्जा ब्रह्मांड को देते हैं वही लौट आता है। दोस्तों, इस बात को समझो कि हम अपनी फीलिंग्स के द्वारा ब्रह्मांड से बात करते हैं। हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही सोचते हैं और एक्शन लेते हैं। यानी आपकी भावनाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। जब आप इस बात को अपनाओगे तो आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी आपका पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। मैंने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम तब सॉल्व हुई जब मैंने अच्छा महसूस करने का निश्चय किया। मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं खुद को नई कहानी सुनाऊंगा। इस घटना के बाद मुझे लॉ ऑफ वाइब्रेशन अट्रैक्शन से कहीं गहरा लगने लगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीजों और थॉट्स पर फोकस करता है, वहीं लॉ ऑफ वाइब्रेशन अंदरूनी फीलिंग्स, वाइब्रेशन यानी तत्व पर फोकस करता है और हमको अपने ऊपर काम करने पर मजबूर करता है। दोस्तों, इस वीडियो से 3 लेसन्स अपने साथ लेकर जाइए। पहला, अच्छा महसूस करने के कॉन्शियस डिसीजन में बहुत ताकत होती है। मेरे साथ दोहराइए, अच्छा महसूस करने के कॉन्शियस डिसीजन में बहुत ताकत होती है। हम अक्सर अपनी मेंटल एनर्जी को डर और नापसंद पर फोकस करते हैं, बार बार उस चीज के बारे में सोचते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये डर और मुसीबत एक कहानी है जो हम खुद को लगातार सुनाते जा रहे हैं, दुख महसूस करते जा रहे हैं और ये वाइब्रेशन हमारे शरीर और हमारे जीवन की सच्चाई बनती जा रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि दुख हमें परेशान नहीं करता, लेकिन जब भी मौका मिले तब अपनी मेंटल एनर्जी को सॉल्यूशन की तरफ मोड़िए, खुद को नई कहानी सुनाइए और अच्छा महसूस कीजिए। क्योंकि जब हम खुद को ताकतवर कहानी सुनाते हैं, पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं, तब हम पास्ट से, शिकायतों से, गलतियों से आजाद हो जाते हैं। हमारे वाइब्रेशन बदलते हैं तो हम बेहतर महसूस करते हैं, जीवन और हमारा शरीर दोनों बदलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, सीखने को तत्पर रहो। न्यू माइंडसेट इज इक्वल टू न्यू फ्रीडम। वैक्स किंग कहते हैं, अक्सर लोग सब्र नहीं रखते, वो सीखना नहीं चाहते, बिना पर्सनैलिटी बदले, बिना अच्छा महसूस किए, बस जल्दी से रिजल्ट पाना चाहते हैं। इसलिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन और अट्रैक्शन काम नहीं करते। इस बात को समझो कि न्यू नॉलेज इज इक्वल टू न्यू माइंडसेट इज इक्वल टू न्यू फ्रीडम। जितनी आपकी समझ बढ़ेगी, जितनी अच्छी तरह से आप मेंटल एनर्जी और एक्शंस का इस्तेमाल करोगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए
आपके मन और अंतर्मन कैसे काम करते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं, ये सीखने के लिए पूरी जिंदगी तत्पर रहो। अगली जरूरी बात, अपने गोल से ऑब्सेस्ड हो जाओ। ब्रह्मांड आपका उत्साह भांप लेता है। जितना आप चीजों को लेकर खुश और रोमांचित रहते हैं, ब्रह्मांड उतना ज्यादा आपको खुश होने का कारण देता है। तो सवाल है कि मैं अच्छी फीलिंग्स बनाए कैसे रखूं, इस मन से कैसे निपटूं जो लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। इसका केवल एक सॉल्यूशन है, जब भी फ्यूचर विजन धुंधला दिखे तो फ्यूचर की चिंता करने की बजाय अपने फोकस का लेंस एडजस्ट करो। कैसे होगा, कब होगा छोड़कर नए भविष्य से ऑब्सेस्ड हो जाओ। सोचो कि मैं नया सफल इंसान कैसा महसूस करेगा, कैसा बर्ताव करेगा, उसके अंदर कैसी प्रेरणा आएगी, उसकी चाल में, उसकी आवाज में कैसा कॉन्फिडेंस होगा, वो बिना हिचकिचाए कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और एक्शन लेता जाएगा। दोस्तों, गोल के विजन से, नई पर्सनैलिटी से इतना भर जाओ कि आपको महसूस होने लगे कि गोल पूरा हो गया है। आप पूरी तरह वो बन गए हो जो आप हमेशा से चाहते रहे। इस तरह आप बार बार लगातार अच्छा महसूस कर सकते हो। समरी, 3 लेसन याद रखें। अच्छा महसूस करने के कॉन्शियस डिसीजन में बहुत ताकत होती है। अभी शुरू करो, खुद को ताकतवर कहानी सुनाओ। दूसरा, सीखने को तत्पर रहो। न्यू नॉलेज इज इक्वल टू न्यू माइंडसेट इज इक्वल टू न्यू फ्रीडम। और तीसरा, नए भविष्य से ऑब्सेस्ड हो जाओ, भले ही कुछ देर के लिए सही। हर दिन वो इंसान बन जाओ जो आप बनना चाहते हो। दोस्तों, विनर इफेक्ट में बताया गया है कि बार बार जीत महसूस करना या बार बार हार महसूस करना आपकी सोच, पर्सनैलिटी और सबसे जरूरी आपके करियर की दिशा बदल देता है। इसलिए खुद को लूजिंग साइकिल से निकालना और विनिंग साइकिल में ले आना बहुत जरूरी है। इस पर वीडियो सेव कर लीजिए और बाद में देखिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।